सब्सक्राइब कीजिए स्टिच एंड फैशन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने अंगरखा फ्रॉक बनाने का आपको तरीका बताया था जो बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं उसका नेक का तरीका बताऊँगी। ये तकरीबन मैंने 12 इंच की चेपी ली है। 6 इंच हमने गले की चौड़ाई रखनी है, इसकी आधा करके यानी कि 3 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह दोनों निशान आपस में वी शेप में मिला लें। अब सेंटर में 1 इंच एक्स्ट्रा रख के निशान लगाएं और हल्का हल्का गुलाई में वी कर दें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी फैमिली में और अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसे हम प्लेट का निशान लगाते हैं वैसे प्लेट की तरह हम निशान लगाएंगे, यानी कि 10.5 इंच पे। छः इंच आगे से चौड़ाई में निशान लगाएंगे, यानी कि 3 इंच पे। ये बहुत ही आसान है। इसी तरह मैं नीचे से भी 3 इंच का निशान लगा लूँगी और सेंटर में भी 3 इंच का निशान लगा लूँगी। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला दूँगी इस तरह। ये हमारी अंगरखे की लुक आएगी। आप शर्ट पे भी बना सकते हैं, फ्रॉक पे भी बना सकते हैं। आजकल वैसे भी अंगरखे का बहुत ज़्यादा फैशन है। इस तरह अब हम इन दोनों निशानों को मिला देंगे और तकरीबन 1.25 इंच पे रख के निशान लगा लेंगे कटिंग का। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। गले को डबल करके ही कटिंग होगी इस तरह। नीचे वाली चेपी को मैंने छोड़ दिया है और ऊपर वाली को मैं कटिंग कर रही हूँ। इसी तरह अब मैं खोल के कटिंग करूँगी। अब जो ये निशान है इस पे भी मैं कटिंग कर लूँगी। ये देखे कटिंग के बाद ये वाली लुक आएगी। अब मैं इसे कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। ये दूसरी साइड है। इस तरह हमने साथ पेस्ट करना है, ऊपर से साथ मिला के। और कोने से आके थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ना है।
इसे अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी। आधा इंच मार्जिन छोड़ के मैंने कटिंग कर ली है। इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा लें। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। ये पेटी का सेंटर है। अब दोनों सेंटर मिला के कच्ची सिलाई लगा लूँगी। जैसे हम प्लेट का निशान देखते हैं 3 इंच पे रख के आप इसे पिन अप कर लें। इसी तरह नीचे से भी देख के निशान, इधर भी सुई लगा लें। अब अंगरखे की जो नीचे की तरफ साइड आएगी, पहले उस साइड से गला बनेगा, क्योंकि ऊपर वाली तरफ से हमारी लैस भी साथ आएगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ के कटिंग कर लें। और इस तरह फोल्ड करके इसे कच्चा कर लें। ये दूसरी तरफ मैं निशान लगा रही हूँ। जहाँ तक हमारी चेपी की कटिंग है उस हिसाब से आप निशान लगा लें और इस तरह लैस ऊपर रख के निशान के साथ साथ सिलाई लगा लें। इस तरह हमारी लैस जो है वो गुम सिलाई के साथ लगेगी। आप वैसे भी बना सकती हैं, पहले गला बना के नीचे लैस रख के ऊपर सिलाई लगा लें, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए इस तरह लैस आएगी हमारी। इसी तरह गला आप शर्ट पे भी बना सकती हैं।
उसी तरह दोनों सेंटर मिला के सिलाई लगा लें। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लें। और हल्के हल्के कट लगा लें। ये तकरीबन 1.5 इंच की पट्टी है, उसे मैंने डबल फोल्ड करके नीचे रख के ऊपर पेटी रख के सिलाई लगाऊंगी। जिस साइड पे हमने लेस नहीं लगाई पहले, वो वाली साइड हमने कपड़े के साथ लगानी है। आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के कटिंग कर लें और इसे डबल फोल्ड करके इस तरह अंदर कर लें। इस तरह नोक बहुत सफाई से बनेगी। अब ये लेस वाली साइड है, इसे मैंने ऊपर से शुरू किया है। पहले रख के देख लें। और फिर सिलाई लगाएं। कोने पे आके सुई नीचे करके फिर हम सीधी फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा है। दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।